मस्त मस्त बहुत अच्छा किया दीक्षा, वाह वाह, थैंक यू मम्मी, पहन तो ना पहन। अब देखना खुशी की मम्मी कैसे यहाँ गोकुल जम सोसाइटी में आती है। मम्मी ये लो ये कवर। सॉरी हूँ बघा भाई, आपको जरा तकलीफ दे रहे हैं। अरे सेठानी जी कैसी बात कर रही हैं आप, इसमें तकलीफ कैसी? सयाने लोग कहकर गए हैं कि इंसान का जन्म दूसरे इंसान की मदद करने के लिए ही हुआ है, और फिर इस संसार में। ओ बागेश्वरानंद महाराज, अपना प्रवचन बंद कीजिए और दया माँ जो भी ज्ञान बांटने जा रही है उसका चुपचाप ग्रहण कीजिए। जी सेठ जी, हुकुम सेठानी जी। अच्छा बागा भाई, आपको कुरियर वाले भाई बनकर इस पते पर जाना है, और ये कवर सिर्फ और सिर्फ सुरभि बहन के हाथ में ही देना है। तथास्तु। मतलब आप फिकर मत कीजिए सेठानी जी, आपने कहा तो समझो काम हो गया, लाइए। लेकिन भाई ठीक से सुना ना तूने, ये कवर सिर्फ और सिर्फ वो सुरभि बहन के हाथ में ही देना है। जी सेठ जी। और फिर तुरंत वहाँ से निकल जाना है। जी सेठ जी। और जाते जाते बीच में बावरी को मिलने नहीं जाना है। सेठ जी आप निश्चिंत हो जाइए, मैं यहाँ से निकल कर सीधा इसी एड्रेस पे जाऊंगा। तकलीअस्तु जी। कोई है? लगता है बाहर कोई आया है। हाँ संसार समाया है। कोई ड्रेस पहन आती हूँ। जी सुरभि जी। नहीं नहीं मैं उसकी सास हूँ। ओह अच्छा अच्छा, सुरभि जी को बुला दीजिए ना, उनके नाम का कुरियर है। लाओ दे दो मुझे। ये कवर सिर्फ और सिर्फ सुरभि बहन के हाथ में ही देना है। नहीं मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? मुझे क्यों नहीं दे सकते? सेठानी जी ने मना किया है। क्या? वो मतलब वो हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। क्या है, जिसके नाम का कुरियर हो उसी के हाथ में कुरियर देना चाहिए। अजीब नियम है। रुको अभी बुलाती हूँ। बहू खाना? अभी तो खाया था खाना। आप ये मशीन लगाइए। बहू जरा बाहर आना। जी माँ जी। देख तेरे लिए कुछ आया है। आप ही सुरभि जी हैं? जी हाँ मैं ही हूँ। सुरभि जी ये आपके नाम का कुरियर आया है, ये आप यहाँ साइन कर दीजिए। आप ना पट्टी लगा के रखिए, पूरा दिन आपको जवाब देने निकल जाता है। देख लेना बराबर, ठीक है? कुछ नहीं माँ जी। वो अरे जरा दिखा तो सही, क्या है वो? किसी और का है, हमारे यहाँ गलती से आ गया, मैं अभी देकर आती हूँ। भाई साहब। मेरी प्यारी माँ, तुम मुझे आखिरी बार मिलने भी नहीं आई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आखिरी बार अपनी बेटी को मिलने आ जाओ माँ, फिर चाहे तो कभी मेरा मुंह मत देखना, लेकिन एक बार आ जाओ, सिर्फ एक बार। तुम्हारी प्यारी बेटी खुशी। अरे बहू कागज देकर आई। खाई खाई में तो मैं उसी दिन गिर गया था जब मेरी शादी हुई। मशीन लगाइए पहले। हाँ। अरे मैंने उससे कहा कागज देकर आई। जी दे आई। अब माँ जी मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अरे बहू अब फिर कहाँ जा रही है? अब वो सब्जी बना रही थी ना, तो धनिया कम पड़ गया, बस धनिया लेके आना है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है जी। मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है कि कार्ड पढ़ के खुशी की माँ यहाँ आएगी कि नहीं आएगी। हाँ कहीं हमारा दाव उल्टा ना पड़ जाए। नहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए मतलब? मतलब ये है कि कहीं वो यहाँ आने की बजाय शहर छोड़कर ना चली जाए। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। बेटी की पुकार माँ कभी अनसुना नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है। कार्ड पढ़ते ही खुशी की मम्मी भागती हुई गोपालधाम सोसाइटी आएगी,
जरूर आएगी। सब यहाँ आइए सर बीबन, आइए। आइए बैठिए कर आपको यहाँ बुलाया है। माफ करना, हमारे पास आपको यहाँ बुलाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। पर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और मेरे घर का पता कैसे मिला आप लोगों को? देखो बेटा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। और आपने जैसे अपनी बेटी को ढूंढ लिया था, ठीक वैसे ही आपकी बेटी के लिए हमने आपको ढूंढ लिया। नहीं नहीं, खुशी मेरी बेटी नहीं है, वो आप ही की बेटी है, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। अच्छा, तो अगर आप उनकी माँ नहीं है तो शुभम मैटरनिटी होम में उसे किसने जन्म दिया था? हाँ। और अपनी बेटी की रक्षा के लिए अंबे माता का लॉकेट किसने पहनाया था उसे? हाँ। और इतनी छोटी सी बच्ची को यूँ शिव मंदिर में अकेला किसने छोड़ दिया था? हाँ? बोलिए। दोस्तों देखो बेटा, हमें सब पता चल गया है, इसलिए हमसे कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यहाँ ना ठीक नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं 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 सुरभि बहन, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ। देखिए सुरभि जी, जो सवाल इतने दिनों से हम सभी के मन में है उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। सही बात है, और आपको बताना पड़ेगा। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने ऐसी फूल जैसी नाजुक बच्ची को मंदिर में छोड़ दिया। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती, मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मुझे यहाँ से जाना होगा। देखिए देखिए बहन जी, बहन जी, हम आपसे वादा करते हैं, जैसे हमने आपको ढूंढ लिया ठीक उसी तरह हम आपकी समस्या के हल भी ढूंढ लेंगे। विश्वास रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मुसीबत का कोई हल नहीं। देखिए सुरभि जी, पूरी दुनिया में हम गोकुलधाम वालों से ज्यादा जिद्दी कोई नहीं है। अगर आपने हमारी सारे बातों का जवाब नहीं दिया ना, तो हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल छोटी, अभी खुशी खुशी दया आंटी के पास जाएगी। खुशी, हम लोग सब नीचे खेलने जा रहे हैं। हमारे लिए ना सही, लेकिन खुशी के लिए तो आपको बताना ही पड़ेगा। प्लीज बेटा, तुम अपनी बच्ची से इतना प्यार करती हो तो फिर उसे मंदिर में अकेले क्यों छोड़ दिया था? आप अपनी ही बेटी से मुंह क्यों मोड़ रही है? ऐसी क्या मजबूरी है? बताती हूँ, मेरे सास ससुर पुराने ख्यालात के हैं और उनकी वजह से मेरे पति की भी सोच वैसी होगी। उनका मानना है कि बेटा वंश को आगे बढ़ाता है, माँ बाप का नाम रोशन करता है, और बेटियां सर पर बोझ होती हैं। ये मुझे तभी पता चल गया था जब मेरी पहली बेटी सुहानी का जन्म हुआ था, और जब दूसरा बच्चा आने वाला था तो बेटे को लेके उनका जुनून देखकर मैं डर गई थी। जब उन्हें पता चला कि घर में दूसरा बच्चा आने वाला है तो बेटा आने वाला है ये कहकर उन्होंने घर में मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया था। लो, लो, मिठाई लो। अरे और भी लो, अरे लो ना, और भी लो। पोता आने वाला है। अरे हाँ भाई, हाँ पोता ही आएगा।
हमारा कुलदीपक आएगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। पिताजी मेरे बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे। और मैंने तो बहुत सारी मन्नतें मांग के रखी है, जैसे ही मेरे पोते के कदम इस घर में पड़ेंगे मैं हर तीर्थ धाम जाऊंगी और वहाँ भगवान के सामने जाके माथा टेकूंगी। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा हो या बेटी, ये सब तो भगवान के हाथ है ना। और मान लीजिए अगर बेटी हुई तो? शुभ शुभ बोल बहू, बेटा ही होगा। पर बेटा हो या बेटी, माँ जी ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है। बस बहू, अगर बेटी हुई तो अस्पताल से घर लाना ही नहीं। एक बेटी का बोझ तो हम पहले से ही ढो रहे हैं, इस बार अगर बेटी हुई ना तो तेरा और तेरी बेटी का मुंह हम देखेंगे ही नहीं। माँ और बाबूजी ने बोल दिया ना, अब इस बात पर और बहस नहीं चाहिए मुझे। बेटा चाहिए तो बेटा ही आएगा, और अगर बेटी हुई तो वो इस घर में नहीं आएगी। मैंने अपने पति को भी समझाने की कोशिश की पर वो भी मेरी एक सुनने को तैयार नहीं थे। उनके भी सर पे बेटे का भूत सवार था, अगर बेटी हुई तो? अरे इस जमाने में दो दो बेटियों का बोझ कौन उठाएगा? इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शादी कराना, एक आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है इसमें, और फिर बेटी किस काम की? वो बोझ नहीं तो और क्या है? अगर यही बात है तो हम दूसरा बच्चा क्यों कर रहे हैं, एक ही काफी है। अरे वो बेटी है बेटी, मुझे बेटा चाहिए, बेटा इस घर का वारिस। और अगर तुम बेटा पैदा नहीं कर सकती हो तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, और फिर रहना तुम और तुम्हारी बेटियां अपने मायके में। कान खोलकर सुन लो, मुझे बेटा ही चाहिए, बेटा, बेटा। और हुई बेटी, इसे देखकर मैं दुनिया के सारे दुख दर्द भूल गई थी, इसके मासूम चेहरे में खो गई थी। जब मेरे पति और सास ससुर अस्पताल आए और उन्हें पता चला कि बेटी हुई है तो वो इसका मुंह देखे बिना ही चले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुके। मैं अपने ससुराल तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए अपने मायके चली आई। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, और बाऊजी, बाऊजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जैसे तैसे पेंशन पे गुजारा होता है। मैं 2 महीने अपने मायके में रही पर मैं अपने बाऊजी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अपने ससुराल वापस आ गई। एक तरफ मेरी ये बेटी थी और दूसरी तरफ मेरी सुहानी, मेरा पति और पूरा परिवार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं इसे ससुराल लेके जाती तो मुझे डर था कि मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे और मुझे और मेरी दोनों बेटियों को घर से निकाल देंगे। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कर सकूँ, इसीलिए अपनी एक बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी खुशी को छोड़ने का निर्णय लिया, और मैं सीधे अम्बे माँ के मंदिर पहुँच गई। मुझे पक्का यकीन था कि अम्बे माँ इसकी रक्षा करेगी, इसीलिए मैंने खुशी को मंदिर में छोड़ने का निर्णय किया। सुरभि बहन, आपको उसी वक्त पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। हाँ, पुलिस आपकी मदद जरूर करती तो। और पुलिस आपके पति और आपके सास ससुर को जरूर सबक सिखाती। सही बात है। मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मैं बस अपनी बेटी को लेकर मंदिर पहुंच गई। मैं अपनी बेटी को मंदिर में छोड़कर जाना चाहती थी लेकिन मेरे कदम नहीं उठ रहे थे। हे भगवान, मैं अपनी फूल सी बच्ची को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, आप मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अभी मैंने एक सांप को वहां आते देखा, मैं उसके पास जाने ही वाली थी कि मैंने वहां आपको आते हुए देखा।
होते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आपने मेरी बच्ची को बचा लिया और उसे अपने हाथों में उठा लिया। मैं ये सब छिपकर देख रही थी। आपने इधर उधर देखा, आवाज लगाई, ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन आपके सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। आप बच्ची को लेके ऑटो में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस आपके ऑटो को जाते हुए देखती रही। मैंने अपने ससुराल में बोल दिया कि बच्ची कोई बीमारी के कारण बच नहीं पाई, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं आपके बारे में और अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रही। मेरा दिल मेरी बच्ची को देखने के लिए तड़प रहा था। मुझे लगा कि आप बच्ची के माँ बाप को ढूंढने अगली सुबह मंदिर आएंगे, इसीलिए मैं भी मंदिर पहुंच गई और वहां आपके लगाए नोटिस को देखा और मैं सीधी गोकुलधाम सोसाइटी चली आई। मैंने देखा कि आप सब भले लोग हैं और आपने मेरी बच्ची को प्यार से भी रखा है। आप उसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं रोज अपने आप को रोकती रही, लेकिन मेरी ममता मुझे खींच के गोकुल धाम ले आती और फिर मैं छुप छुप के अपनी बच्ची को देखती थी। इन दिनों मैंने ये देख लिया था कि आप मेरी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं और उसे वो खुशहाल और प्यार भरी जिंदगी दे सकते हैं जो मैं शायद कभी नहीं दे सकती। इसीलिए मैंने वो चिट्ठी लिख के अपनी बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए आपके हवाले कर दिया। मेरी आपसे यही विनती है कि मैंने जो भी कुछ कहा उसे भुलाकर और खुशी को अपनी बेटी मानकर अपने पास रख लीजिए। दोस्तों, अंततः पता चल गया कि खुशी की माँ की मजबूरी क्या है। लेकिन खुशी की माँ की बात सुनकर हम सबके सिर शर्म से झुक गए। एक तरफ दुनिया जहां इतनी तरक्की कर रही है, इंसान चांद पर पहुंच गया है, वहां खुशी की माँ के ससुराल वालों की सोच आज तक गर्त में है। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बेटियों की फूल जैसे हाथों से कलम छीन लेते हैं, उनको आसमान में उड़ने देने के बजाय उनके पंख काट लेते हैं, तो अब गोकुलधाम निवासियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। वही चुनौती जो इस वक्त देश के सामने भी है। खुशी की माँ के ससुराल वाले जैसे लोग हैं, उस तरह के लोगों को सबक सिखाना, उनकी अक्ल ठिकाने लगाना, उन्हें बताना कि बेटियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखना यह है कि क्या करेंगे गोकुलधाम निवासी, किस तरह से खुशी की माँ की मजबूरी को दूर करेंगे, किस तरह से खुशी की माँ के ससुराल वालों की अक्ल ठिकाने लगाएंगे, ये सब आप जान जाएंगे जब आप देखेंगे एक मस्ती भरा एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं सुरभि, पानी पीजिए। सुरभि जी, अब सोइए मत प्लीज। आपकी कहानी सुनके सचमुच बहुत दुख होता है। आज के जमाने में भी बच्चियों को बोझ समझने वाले, बेटियों से बदसुलूकी करने वाले लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं। ये सोचकर ही सर शर्म से झुक जाता है। सुरभि बहन, अब आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे ससुराल वाले नहीं मानेंगे, वो खुशी को चैन से नहीं रहने देंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है। और सुरभि जी, आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो, हम लोग मिलके आपके ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगा देंगे। कलेक्टर सर, हम लोगों का कुछ करना ही पड़ेगा, वरना इनके ससुराल के लोग सुरभि जी और उनकी बेटियों का जीना हराम कर देंगे।
हमारे देश ने हर क्षेत्र में इतनी प्रगति की है, फिर भी ऐसे लोगों की मानसिकता नहीं बदली। बड़े शर्म की बात है ये। ऐसे लोगों को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इनकी दुनिया हिल जाए। देखो, वो लोग बुरे नहीं है, उनकी सोच बुरी है। बेटियों से नफरत करने की ऐसी नीची सोच को अगर हमने नहीं बदला तो हम भी गोकुलधाम वाले नहीं। देखिए, आपके घर वाले खुशी को अपनाएंगे और बहुत प्यार से अपनाएंगे, ये हम सबका वादा है आपसे। हाँ सुरभि बहन। अरे भाई, ऐसे थोड़ी ही सुरभि जी के ससुराल वालों की सोच बदल जाएगी। अरे भाई, किसी ने सोचा है कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सोड़ी, तुमने कल क्या फर्स्ट क्लास आइडिया दिया था, कुछ आइडिया निकल ना भाई। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलिए बोलिए बबीता जी, क्या आइडिया है? बताइए ना बबीता जी। सबसे पहले हमें इनके पति और सास ससुर को ये कहना पड़ेगा कि इनके घर में बेटी नहीं बेटा हुआ है। बबीता, ये तुम क्या कह रही हो? एक मिनट, मैं बताती हूँ। लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रहना हमारे पास, हुँ? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। तो अभी ये तय करते कि इनके घर पे कौन कौन जाएगा। मैं जाती हूँ। आप अकेले कैसे जाएंगे बबीता जी? नहीं चाचा भाई, बबीता जी के साथ मैं चली जाऊंगी। चलो जी, मैं गाड़ी काटना। सॉरी, मैं भी चलता हूँ। मैं भी आता हूँ। अय्यर भाई, सबको जाने की जरूरत नहीं है, क्या जितने कम लोग जाए उतना अच्छा है, वरना हो सकता है उनको हमारे ऊपर शक हो जाए। क्यों बबीता जी? हाँ, that's better है, तुम यहीं पे रहो। हाँ दया, जैसे बबीता जी ने कहा वैसे तू तैयारी शुरू कर दे। हाँ ठीक है डब्बू के पापा। और हाँ सुरभि बेटा, तुम भी तैयार रहना, जैसे ही हम तुम्हें नीचे बुलाए तुम आ जाना। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, सोढ़ी, पोपटलाल, बबीता जी और अंजलि चारों सुरभि जी के ससुराल जा रहे हैं, ठीक है? और आप लोग जैसे ही वहां से रवाना हो हमें प्लीज फोन कर देना। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बस आप हिम्मत रखना। उनकी इतनी हिम्मत, घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा बुरा सलूक करते हैं, ओए उन लोगों को ऐसा मजा चखाएंगे, नानी दादी पर नानी पर दादी और जो जो भी है ना सब याद आ जाएंगे। अरे दुनिया हिला देंगे उनकी। अरे एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। आपको याद है ना मैं वहाँ पहुँच के क्या करना है? हाँ जी। बस ओके, तो हमें हमारे प्लान के मुताबिक ही काम करने। ओके ओके, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। चलो चलो। बाबू, याद है ना पिडू ने क्या कहा था? क्या? सुरभि के ससुर जी ऊंचा सुनते हैं। हाँ हाँ, याद है। आओ जी। एक मिनट, सोड़ी लगता है यही ससुर जी है। बाबू चल हो जा शुरू। हाँ चलो चलो चलो। आओ जी। शेखर जी यहीं रहते हैं? हाँ यही रहते हैं, लेकिन आप इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? मैं तो पिडू ने क्या सी? लल्ला लल्ला जी, बाबू जी ये लोग कौन है? पता नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आप शेखर कुमार हैं जी? कहिए। ओ वेरी नाइस टू मीट यू जी। सॉरी जी, व्हाट टू डू, ये 2.5 किलो का हाथ है ही ऐसा। क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ? कुछ नहीं, मेहमान आए हैं। हाँ आइए आइए, अंदर आइए ना। नहीं नहीं बहन जी, हम थोड़ा जल्दी में है, वो क्या है ना, हम गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं और हमें आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी क्या क्या बात करनी? हाँ वो एक्चुअली भाई साहब, आपकी पत्नी घर पर तो नहीं है ना?
नहीं, क्यों? फिर ठीक है जी। अच्छा हुआ कि आपकी पत्नी घर पे नहीं है। क्या है कि हमें कुछ बातें आपको सच सच बतानी है। हाँ, बहुत जरूरी। करेक्ट। देखिए, पहले मत बुझाइए, बताइए क्या बात है। जी बताइए ना, बात क्या है। एक्चुअली बहन जी, आपके साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जी क्या? हाँ जी, आप सबके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा कहाँ है? क्या खोखा? आप खोखा के बारे में बोल रहे थे ना। मशीन डालिए, मशीन डालिए। धोखा धोखा। कैसा धोखा? किसने दिया धोखा? आंटी, आपको यकीन नहीं होगा, पर आपकी बहू ने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या? बहू ने? सुरभि ने? साफ साफ बताइए बात क्या है। अब क्या बताऊं आपको, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। भाई सोड़ी, तू ही बता। कमाल करता पप्पू, इतनी कड़ी बात तो मैं भी नहीं बोल सकता जी। अरे भाभी, तुसी ही दसो ना। मैं? नहीं नहीं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आएगी, मेरी तो जबान भी नहीं खुलेगी। बबीता जी, आप बताइए। मैं? अंजलि भाभी, मैं भी कैसे कहूँ? नहीं नहीं बाबा, मुझसे तो नहीं कहा जाएगा, पर बताना तो पड़ेगा ना। अरे आप में से कोई तो बताइए कि बात क्या है। बोलिए बात क्या है। मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले आपकी पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया था, बराबर? जी बिल्कुल। और आपसे कहा था कि बीमारी की वजह से वो बच नहीं पाई है, बराबर? बिल्कुल बराबर। जी उसने आप सबसे झूठ बोला था, झूठ। झूठ जी? अरे आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पर आपकी बहू को बेटी नहीं, बेटा हुआ था, बेटा। शेखर जी, आपका बेटा। आंटी जी, अंकल जी, आपका पोता, आपके खानदान का चिराग, आपका कुलदीपक। और वो? उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी, वो जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। हाँ? क्या सुरभि ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? कहाँ है मेरा पोता? कहाँ है मेरा पोता? हाँ, कहाँ है बताइए, कहाँ है हमारा पोता? देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पोता सही सलामत है और हमारी सोसाइटी में है। हाँ। अब क्या है ना, आपकी बहू ने तो उसे मंदिर में छोड़ दिया था। क्या? वो तो अच्छा हुआ कि वो हमें मिल गया और वो हमारे पास सही सलामत है। मुझे वो बच्चे के गले में जो लॉकेट था ना, उसकी मदद से हम आप सबके पास पहुंच गए। और तो और, पता है बहन जी, आपकी बहू ने आपसे झूठ कहा था कि उसे लड़की हुई है और वो लड़की किसी बीमारी की वजह से बच नहीं पाई, ये सब झूठ था, ताकि आप लोग उसके बारे में कभी भी कोई भी जानकारी लेने की कोशिश ही ना करो। लेकिन सुरभि ने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला क्यों? ओ जी, वो आप सबसे बदला लेना चाहती है, बदला। बदला? आपके खानदान के कुलदीपक को आप सबसे दूर करके तड़पाना चाहती है जी, तड़पाना। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। क्या जमाना आ गया है बहन जी। मैंने कहा था ना लल्ला, तेरी बीवी हमें खुश देखना चाहती ही नहीं है। ये सब बातें छोड़ो, मुझे अपने पोते को देखना है। कहाँ है मेरा पोता? कहाँ है? हाँ? मैं अभी उसे मिलना चाहता हूँ। हाँ? कहाँ है मेरा बेटा? पोते के पास ले चलिए। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलिए। हाँ, हम उसी के लिए आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। हाँ, और देखिए, हम भी किसी की अमानत हमारे पास नहीं रखना चाहते। बबीता जी, अमानत नहीं, कुलदीपक। तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ, मैं सुहानी को लेकर आता हूँ। हाँ, सामने मेरी गड्डी खड़ी है, आप लोग आ जाइए। हाँ, जल्दी आइए। लल्ला, जल्दी कर बेटा, सुहानी को लेकर आओ। बहुत देर हो गई ना। अभी तक ये लोग आए नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं नहीं, गड़बड़ कैसे हो सकती है, आप तो यहाँ। क्या मतलब? मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रहा है कि सोड़ी वहाँ पे कुछ गुस्से में बोल ना दे, वरना उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा ना। सही बात है।
सोढ़ी तो गुस्से में अपना दिमाग का संतुलन खो देता है। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो, कुछ नहीं हुआ होगा, थोड़ी शांति रखो, अभी आ जाएंगे। जल्दी चलाइए ना, मैं अपने बेटे से मिलने के लिए बेताब हूँ। आंटी हम जहाँ जा रहे हैं सच में मेरा भाई है। आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ सुहानी, आपको सब पता चल जाएगा। आ गया गोकुलधाम। पुण्य प्रताप कुमार। क्या मेरा नाम, आपने मेरा नाम पूछा ना? अरे भाई मैं अपनी सोसाइटी का नाम बता रहा हूँ आपको, हमारी सोसाइटी का नाम गोकुलधाम सोसाइटी है। हाँ तो धीमे बोलो ना, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ हाँ भाई साहब। पर अब तक तो आ जाना चाहिए था चाचा जी। लो आ गए। अरे आइए, कहाँ है मेरा बेटा? यही यही है बस, यही आइए आइए। कहाँ है मेरा बेटा? आइए आइए। दिखने में तो कितने भूले भाले लग रहे हैं। और हरकतें शैतानों वाली। हाथी भाई शैतान फिर भी अच्छे होते हैं, ये तो शैतान से भी गए गुजरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने यार भाई। हम सबने मिलकर जो तय किया वैसा ही करना, कुछ लोचा मत मारना। कहाँ है मेरा लल्ला? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा बताइए? बताइए कहाँ है मेरा बेटा? बताइए मेरा बेटा किधर है? बताइए ना कहाँ है हमारा बेटा? अरे बताओ भाई। आइए मिलवाइए मेरे बेटे से मुझे। कहाँ है? बताइए मुझे। मैं बच्चे का बाप शेखर कुमार, और ये मेरे माँ बाबू जी। आइए आइए, आपका हमारी सोसाइटी में स्वागत है। प्लीज मेरे बेटे को ले आइए ना। ओ लल्ला इंतजार का थोड़ा मजा तो लो। सब्र रखो, हमसे और इंतजार नहीं होता। कहाँ है हमारा पोता बताइए ना, कहाँ है हमारा पोता? अरे थोड़ी सांस तो लीजिए सासू माँ, मिलवाते अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं खुशी से। खुशी? खुशी खुशी अभी अभी कौन लो जमा रहा? खुशी कुमार। खुशी कुमार वो क्या है कि हम सबके चेहरे पे उसका चेहरा देखते ही एकदम खुशी छा जाती है, इसलिए दया ने बोला कि उसका नाम खुशी कुमार रखते हैं, तो इसलिए खुशी कुमार है ना दया? हाँ, हाँ, हाँ। और इसीलिए वो खुशी कुमार को हम प्यार से खुशी कहते हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा नाम है खुशी कुमार, ये तो अच्छा हुआ आप लोग थे, वरना हमारी मनुष बहू ने तो वीराने में छोड़ दिया था हमारे खानदान के वारिस को। अब और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से मिलवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ मिलवाएंगे भाई मिलवाएंगे, उसके लिए तो खास आपको मंगाया है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त है वो, जिनकी शर्त है वही आपको बताएंगे। अपने बेटे के लिए मुझे कोई भी शर्त मंजूर है, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार। पर शर्त किसकी है? हाँ। बहू बुला ले उन्हें। जी बापूजी। जो भी शर्त तो मान लेंगे माँ, तुम्हारे बेटे का सपना पूरा होगा। हाँ बेटा हाँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। प्रभु विनति सुन लिया तूने? पॉलिसी अभी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। आप तो हमारे बेटे से मिलवाने वाले थे ना, ये यहां कैसे आई? सुरभि तुम यहां, और ये सब क्या हो रहा है? रो रहा है? कौन रो रहा है? सो रहा है नहीं,
अब मशीन डालिए, मशीन डालिए। हाँ। रो रहा है नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पहले अपने खानदान के चिराग का मुंह तो देखने दीजिए। हाथ में हमारे खानदान का वारिस है। जल्दी जल्दी से नीचे लेके आओ उसे। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लल्ला, सोसाइटी वालों के सामने कोई हंगामा मत करो, अभी शांत हो जाओ। सुरभि से फिलहाल प्यार से ही बात करो। बेटा पहले हाथ में जाने दो, इसको तो फिर बाद में देख लेंगे। सुरभि ला, मेरा बेटा मुझे दे, ला। बहू पहले मुझे दे, मैं देखूंगी उसे। नहीं, मैं अपने पोते का मुंह पहले मैं देखूंगा। ला सुरभि, हमें दे। ला दे मेरा बेटा मुझे दे पहले। रुक जाओ लल्ला, सुरभि जी की पहले शर्त तो सुन लो। हाँ हाँ, क्या शर्त है? मुझे मेरे बेटे के लिए सारी शर्त मंजूर है, बोलो। दोस्तों फैसले की घड़ी आ चुकी है, रोमांच अपने चरम पे है, कशमकश है यहाँ पे झूठ और सच के बीच, भले और बुरे के बीच, बेटियों के साथ अन्याय करने वाले और बेटियों को न्याय दिलाने वालों के बीच। खुशी की माँ के ससुराल के सारे ही लोग यहाँ गोकुल धाम में आ पहुंचे, खुशी के दादा दादी, खुशी के पिता, सभी लोग। लेकिन अपने खानदान के कुलदीपक को वो देखे, इसके लिए खुशी की माँ ने एक शर्त रखी। आखिर कौन सी होगी वो शर्त और क्या गोकुल धाम निवासी इन लोगों की सोच को बदल पाएंगे? क्या बेटियों के साथ अन्याय करने वाली इनकी घिनौनी मानसिकता को ये लोग हरा पाएंगे? क्या खुशी के परिवार वाले खुशी को खुशी खुशी अपना लेंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, उत्सुकता भी है, रोमांच भी है, आतुरता भी है, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर आप अपने बेटे का चेहरा देखना चाहते हैं, अपने बेटे के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको अपने माँ बाऊजी को छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। हम साथ में रहेंगे, आप अगर अपने माँ बाऊजी को छोड़कर मेरे साथ रहने आएंगे तभी आप अपने बेटे के साथ रह पाओगे। हाय हाय, ये क्या बोल रही है? इसकी बातों पर ध्यान मत दे, अपने कान बंद कर ले। हमारे कान खुले ही कब होते हैं जो तू बंद करने को बोल रही है? अरे आपसे नहीं बोल रही हूँ, लल्ला से कह रही हूँ। पागल हो गई है औरत। हाय हाय लल्ला, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, कुछ भी अनाप शनाप बोल के लल्ला को बहकाना चाहती है। देखना रोशन भाभी, अब आएगा मजा। तुम पागल हो गई हो सुरभि? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा? रुको, नहीं तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। ला ला मेरा बेटा। जाइए पुलिस स्टेशन, जाइए कोर्ट कचहरी कीजिए, जहां जाना है जाइए और जो करना है कीजिए। लेकिन अगर आपको बेटा चाहिए
तो आपको अपने माँ बाबूजी से अलग होना पड़ेगा। अरे तू क्या अलग करवाएगी हमें? तुझे तो हम घर के बाहर फेंक देंगे और बच्चे को अपने साथ रख लेंगे। हाँ, सोपो नहीं है माजी, इतना आसान नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। सही बात है। कौन कहता है ऐसा नहीं कर सकते? अरे हमारा कानून ये कहता है। मंगता है तो आप वकील साहब से पूछ लो। क्यों अय्यर भाई? कौन वकील? हाँ अरे बड़े साइंटिफिक वकील है अय्यर साहब, बड़े साइंटिफिक वकील है। देखिए साइंस के हिसाब से जैसे एक रॉकेट को साइंटिस्ट जन्म देता है, वैसे ही एक बच्चे को एक माँ जन्म देता है। कानून ये कहता है रॉकेट हमेशा साइंटिस्ट के पास रहना चाहिए और बच्चा हमेशा माँ के पास रहना चाहिए। बराबर ना? बिल्कुल सही बात है। बबीता जी क्या समझाया है, परफेक्ट। वाह वाह, ऐसा तो किसी वकील को भी नहीं सूझेगा। मतलब किसी और वकील को भी ऐसा सब नहीं सूझेगा, है ना? मतलब क्या दलील दी है बेटे के कहने का, मतलब क्या दलील दी है? बिल्कुल रॉकेट जैसी दलील। अपना सुन। हाँ तो बोलिए लल्लू जी। लल्ला जी, सॉरी सॉरी। हाँ तो बोलिए लल्ला जी, अगर आप अपनी पत्नी से अलग हो गए तो आपके बच्चों की कस्टडी यानी कि आपके बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कानून बच्चों की माँ यानी कि आपकी पत्नी को सौंपेगा। और कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों लग जाएंगे वो अलग। सोच लीजिए। तो बोलिए क्या करना है आपको, होना अलग। तो शेखर बाबू अभी आपको तय करना है आपको किसके साथ रहना है, उनके साथ जिनको आप बापू कहते हैं या उनके साथ जो आपको बापू कहने वाला है? साहब धीरे धीरे आटे में आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे भी थोड़ी देर में। लल्ला तू इनकी बातों का ध्यान मत दे। तू चिंता मत कर, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। अरे ओ लल्ला जी, आजकल शादी होना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। यहाँ मुझे पहली शादी के लिए कन्या नहीं मिल रही, वहां तुझे दूसरी शादी के लिए कहां से मिलेगी? हाँ। और मान लो लल्ला और चमत्कार से तुम्हारी दूजी शादी हो गई तो ये क्या गारंटी है कि वो दूसरी बीवी जो आएगी वो तुमको बेटा ही पैदा करके देगी? भाई सोचने वाली बात ये है कि अगर दूसरी बीवी से भी बेटा नहीं हुआ तो क्या करोगे लल्ला? तो तीसरी न तो चौथी न तो पांचवी, 80-90 साल तक हो तो कोशिश जारी रखेंगे। अरे जेठालाल ऐसे कैसे दूसरी तीसरी शादी करते रहेंगे भाई? ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि प्रयास चलता रहेगा। जब तक आप पहली पत्नी से तलाक नहीं ले लेते तब तक दूसरी शादी आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो कानूनन अपराध है। अरे वकील साहब बोलिए ना। करेक्ट करेक्ट है। देखिए सुनिए क्या बोल रहे वकील साहब। कानून के हिसाब से पहला शादी चालू होने के बावजूद अगर जो दूसरा शादी किया जाए तो वो विस्फोट ब्लास्ट हो जाता है। विस्फोट? फॉर एग्जाम्पल H2O पानी का फार्मूला। अब इसमें से मान लो H2O है शेखर बाबू और O सुरभि भाभी। अगर H2O में से O अलग कर दिया जाए और उसकी जगह पर SO4 रख दिया जाए तो H2SO4 बन जाएगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और एसिड तो तुम्हारे पूरे खानदान को जलाकर राख कर देगा।
तेरी, बाबरे बाबा। दूरा पूरा जला देगा। अय्यर भाई अच्छा बोले। क्या बोले समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा बोले। सामने वाला डर गया। हाँ बराबर है, बराबर है। और क्या? सूड़ी बोल पप्पू, लगता है अब आ रहा है उन पहाड़ के नीचे। करेक्ट क्या है यार, आ जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है। मैंने कहा था ना, अपना लल्ला इनकी बातों में कभी नहीं आएगा। हाँ, वो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। शाबाश बेटा। मैंने फैसला कर लिया, मैंने फैसला कर लिया, मैं अपने परिवार को लेकर के आप लोगों से अलग हो जाऊंगा, आप लोगों से अलग हो जाऊंगा। मेरा बेटा मेरा भविष्य है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। समझदार निकला। हाँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। लल्ले की माँ, क्या कहा इसने, हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। लल्ले के बाबूजी, बहुत अच्छा हुआ कि आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, वरना आप बेरे के साथ साथ गूंगे भी हो जाते। ये बेटे के लिए हमें छोड़ देगा अपने माँ बाप को। क्या लल्ला, तू बहू के कहने पे हमें छोड़ देगा, अपने माँ बाबू जी को छोड़ देगा तू? अरे लल्ला, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तू उन्हें ही अपने से अलग कर देगा? देखा लल्ले की माँ, तू कहती थी ना बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ले ये लाठी बनकर सिर पे गिरा है अपने। हाँ लल्ले के बाबूजी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा लल्ला हमारे साथ ऐसा कर सकता है। अरे लल्ला, हमसे अलग हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे? पापा पापा, अगर हम दादा दादी को छोड़ के चले गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनको वक्त पे दवाई कौन देगा? देखा लल्ले की माँ, जिस बेटे के साथ हम इतना बुरा व्यवहार किए, वो हमसे कितना प्यार करती, और जिस बेटे को हम जान से भी ज्यादा प्यार की, वो आज हमको छोड़ के जाने को तैयार हो गया है। अरे भाई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? बिल्कुल सही कहा चाचा जी। मतलब कुछ समझा नहीं। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे ना? यही बात है। आपने शेखर के मन में बेटे के अंधे मुंह का जो बबूल बोया है, उसके कांटे अभी आप ही को चुभ रहे हैं। देखा आपने, आज अपने बेटे को पाने के लिए आपका बेटा आपको छोड़ रहा है। चलो सुरभि, अब तो मैंने तुम्हारी हर शर्त मान ली है, अपने बेटे और बेटी को लेकर के यहाँ से चलते हैं। बेटे को लेके चलते हैं। बोल बेटा, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जिसे देखकर तुम फूले नहीं समा रहे हो, और जिसे अच्छे से अच्छी परवरिश देने की बात कर रहे हो, और जिसके लिए आप अपने मम्मी पापा तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वो बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटी है, बेटी है। क्या? हाँ जी बेटी, ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? ये बात क्या है, आप लोग समझाइए, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये नाटक गोकुलधाम निवासियों ने खेला है।
और ये नाटक आपके साथ इसलिए खेला गया ताकि आपको पता चले कि बेटी की अहमियत क्या होती है। सही बात है। एक्चुअली आपकी बहू को बेटा नहीं, बेटी ही हुई है। बेटी ही हुई, बेटी ही हुई, बेटी ही। और आपकी वजह से उनको अपनी बेटी को मंदिर में छोड़ना पड़ा। और आपके डर के वजह से मजबूर होकर एक माँ ने अपनी बच्ची को छोड़ दिया। बेटी, एक और धोखा। ये क्या नाटक है? ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? माँ बाबूजी, चलिए यहाँ से। चलिए, इन लोगों को तो मैं देख लूंगा। बाबूजी गए नहीं? इन्हें देखिए, बेटे के पीछे इतने पागल है कि बेटे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। चलिए माँ बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? तू जा लल्ला, तेरा प्यार हमने देख लिया। हाँ, हम तेरे साथ नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है बेटा। हमने जो बेटियों को नफरत करने वाली गलत सोच तुझे विरासत में दी है ना, उसी की वजह से आज तू हमें छोड़कर जाने को तैयार हो गया है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तूने हमारा मोह तोड़ दिया। जोड़ दिया? अरे क्या जोड़ा है इसने, परिवार की तोड़ने चलाई। हम अपनी की हुई गलती को सुधारेंगे। हमारी बहू और हमारी दोनों बेटियां हमारे साथ रहेंगी। हम हमारी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अच्छी परवरिश देंगे। वाजी वाह, ये हुई ना बात? सही बात है। पापा प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसा क्या है जो बेटे कर पाते और बेटियां नहीं कर पाती? पापा प्लीज रुक जाइए, मैं आपका बेटा बन के रहूंगी। क्या बात है, ऑल द बेस्ट सुहानी बेटा। देखो देखो देखो, कैसा पत्थर जैसा बाप है, फिर भी बेटी का प्यार देखो अपने बाप के लिए। सॉरी बेटा, पर आपके पापा अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए, दो दो बेटियों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा, इन सबसे मैं डर गया था और बेटियों को बोझ समझने लगा था। भगवान की खातिर आप बेटी को बोझ मत समझिए, बेटी तो अपनी किस्मत खुद लेकर आती है। और भगवान ने बेटी को भेजा है तो उसकी सारी व्यवस्था भी की है। और बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वो तो उल्टा माँ बाप का बोझ हल्का करती है। एकदम सही कहा दया भाभी, है ना? ये मेरी बेटी सोनू है और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सोनू जैसी बेटी दी। हाँ, सोनू तो टप्पू सेना की शान है। पढ़ाई में, कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, हर बात में नंबर वन है हमारी सोनू। सही बात है। शेखर साहब, सिर्फ भिड़े को ही नहीं, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को गर्व है कि सोनू हमारी सोसाइटी की बिटिया है। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में कोई भी कभी भी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करता, ना ही कभी किया और ना ही किसी को करने देंगे। बराबर। भेदभाव करने की आवश्यकता भी क्या है, बेटे और बेटी दोनों बराबर हैं, दोनों की महत्ता अपनी अपनी जगह। अगर बेटे आसमान के तारे हैं तो बेटियां चांदनी है, अगर बेटे बादल की तरह मस्त है तो बेटियां नदियों की तरह चंचल है। दोनों बिल्कुल समान है, दोनों बिल्कुल बराबर है,
इसलिए इनमें कोई भी भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। इनमें भेदभाव करना मूर्खता है। और वैसे भी भाई साहब आप खुद सोचिए, हम पढ़े लिखे होकर अगर यही सोच रखेंगे तो पढ़ाई का फायदा क्या है ना? शेखर बेटा, तुम्हारी माँ भी तो किसी की बेटी है ना, अगर वो नहीं होती तो तुम भी नहीं होते। बेटी तो जगत जननी है, बेटियों में माँ को देखो, उसकी मानता का अंदाजा हो जाएगा। क्या बात, क्या? देखिए, किसी ने बहुत ठीक कहा है कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तक, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोख हसीन। क्या कहा? लेकिन आप समझना चाहें तो समझें, हम लोग आप पे कोई दबाव नहीं डालना चाहते। हम तो सिर्फ आपकी गलत सोच बदलना चाहते हैं। करेक्ट है। और हाँ, अभी भी आप अगर खुशी को अपनाना नहीं चाहते तो हम उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए तैयार। बिल्कुल। अरे, खुशी की परवरिश करना तो हमारा सौभाग्य होगा। और हम खुशी को अपने बेटी की तरह ही बड़ा करेंगे। खुशी को ढेर सारा प्यार देंगे और वो सारी खुशियाँ देंगे जो इसे मिलनी ही चाहिए। हाँ, दया भाभी की इस बात से हम सब सहमत हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक पिता ने सबसे पहले बेटे के अंधे मोह में एक बेटी को त्याग दिया, फिर अपने माँ बाप को त्यागने के लिए तैयार हो गया। इस सारी घटना के पीछे एक बहुत बड़ी सीख है सारे समाज के लिए। अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बेटियों से नफरत करना सिखाएंगे तो बदले में आपको भी नफरत मिलेगी। अगर प्रेम करना सिखाएंगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा। लेकिन अभी गोकुलधाम सोसाइटी में सही और गलत सोच के बीच में संघर्ष अपने चरम पे है। अब देखना यह है कि खुशी किसके साथ जाएगी। खुशी अपने माँ के साथ जाएगी, खुशी अपने दादा दादी के साथ जाएगी, खुशी अपने पिता के साथ जाएगी, या खुशी गोकुलधाम में ही रहे। और गोकुलधाम वालों ने जो इरादा किया है ऐसी गलत सोच रखने वालों को सबक सिखाने का, क्या वो अपने इरादे में कामयाब होंगे? सवाल कई सारे हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब के पीछे है अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखना मत भूलिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। बस बस, अब हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। माँ बाप जैसा सिखाते हैं संतान वही सीखती है। सही बात है सुरभि, मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा बच्चा, आजा 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 मेरे पास प्यारी बेटी। देखिए बाबूजी, लीजिए। अरे दीजिए ना, मुझे दीजिए। अरे नहीं, तुमको नहीं देंगे। अरे दीजिए। मेरी बेटी मुझे तो दीजिए। अरे नहीं भाई, हमें मेरे पास आने दो। ये बढ़िया लाइए बाबू, ये लो। मेरा कान की मशीन हो लगाती। माँ जी, बाऊजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे झूठ बोल के ये नाटक करना पड़ा। नहीं नहीं बहू, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। बहू, अगर तू नाटक नहीं करती तो हमारी आंखें कैसे खुलती? सही बात है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मेरे दोनों बेटियों में भेदभाव किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया, मैं इसलिए बहुत शर्मिंदा हूँ। हम भी बहुत शर्मिंदा है, हम गलत थे, हमारी सोच गलत थी। और हम पूरी दुनिया से माफी मांगना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि बेटियों को बोझ समझकर ठुकराने की गलती कोई भी कभी भी मत करना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रीटा रिपोर्टर कल तक से, और आप सब लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं एक ब्रेकिंग न्यूज़।
रीटा? ये कैसे प्रकट हो गई? आ गई। इसकी चैनल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की वजह से ही चलती है। अगर तू चाहता है लोग तूफान एक्सप्रेस पढ़े तो तू भी हमारी खबरें छाप। अरे सुन 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 क्या? मैं रीटा रिपोर्टर लाइव गोकुलधाम सोसाइटी से। और एक बार फिर से गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक नन्ही सी बच्ची खुशी की जान बचाई। एक बार उन लोगों ने फिर से साबित कर दिया कि प्यार से बड़ा और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। प्यार के आगे नफरत की कोई जगह नहीं है। इस बारे में मैं आप लोगों को और जानकारी दूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ कल तक। हेलो एवरीवन, रीटा रिपोर्टर, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और तुम कब कहाँ से शूट कर रही थी भाई? भिड़े अंकल, रीटा दीदी को टप्पू सेना ने बुलाया है। बड़ी छुपी रुस्तम अपनी टप्पू सेना भी। सही बात है। लेकिन तुम अब तक कहाँ छुपी हुई थी? हम लोग तो यहाँ पहले ही आ गए थे। मैं तो वहाँ छत पे छुपी हुई थी। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैंने हमारे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। अब चलिए चलिए, ब्रेक का टाइम ओवर हो रहा है, बाकी डिटेल्स बताती हूँ। रोल कर। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कल तक पर। एक नन्ही सी बच्ची की जिंदगी बचाई है गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों। इसके साथ ही उन्होंने उसके पिता और दादा दादी को एक सबक दिया है उनकी दकियानूसी सोच के खिलाफ। आइए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोगों से और जानते हैं उनकी सोच बेटियों के बारे में। आप बताइए। नमस्ते। लोग कहते हैं कि बेटा कुलदीपक होता है जो रोशनी देता है। अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि बेटी की ऊर्जा के सामने तो कुछ नहीं है। बेटी की ऊर्जा तो पूरे विश्व में रोशनी फैलाती है। रोशन भाभी, चंदा कोचर और इंद्रा नोई को तो सब जानते हैं क्योंकि इन दोनों ने कॉर्पोरेट फील्ड में अपने टैलेंट और मेहनत से देश का नाम रोशन किया है। वाह मेरी रोशन, वाह। कविता जी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा जैसी बेटियों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में हमारे देश का नाम टॉप पर पहुंचाया है। श्रेया घोषाल से लेके स्वरागिनी लता मंगेशकर जी जैसी कितनी महान व्यक्तियां बन चुकी हैं। माननीय आनंदीबेन पटेल जी, वसुंधराबेन राजे सिंधिया जी, ममताबेन बैनर्जी जी, उन्होंने तो पूरे प्रांत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। और माननीय स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी जी ने तो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। वाह क्या बात की, मान गए इनको। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने स्पेस में जाकर पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम ऊंचा किया। ओ नीता, ओ ते इंटरव्यू लेने लगी, थोड़ा हम लोगों का भी इंटरव्यू ले ले यार। जी ओ चावे चावे करी को पूछो। तो आप बताइए। और जी बेटे और बेटियां एक ही गड्डी के दो टायर है, एक भी टायर नहीं रहेगा ना तो दुनिया की गड्डी रुक जाएगी। जी बेटियां हमारा आने वाला कल है, बेटियों से ही हमारा भविष्य है। रीटा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी हाथी भाई, हमें समाज से कन्या भ्रूण हत्या जैसी घातक बीमारियों को खत्म करना है, तभी हमारा समाज निरोगी और स्वस्थ रहेगा। बेटियां तो समाज का आधार होती है और शिक्षण तो हर बेटी का मूलभूत अधिकार है। अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, फिर देखिए वो आपके कुल का नाम संसार में कैसे रोशन करती है। रीटा एक मिनट, स्त्री भ्रूण हत्या जैसे अपराधों की वजह से हमारे देश में लड़कियों की गिनती कम हो रही है। जरा सोचो, अगर देश में लड़कियां ही नहीं बचेंगी तो बेचारे कुमारों की शादी कैसे होगी? मैं तो कहता हूँ कि समाज का संतुलन बनाए रखना है तो बेटियों को बचाइए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बेटियां तो खुशियों का पैगाम है, उन्हीं में खुदा उन्हीं में राम है। रिटा रिटा जी, जो बहु बेटियों की इज्जत नहीं करता उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि बहु बेटियां तो सफलता और सौभाग्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, इसलिए बेटी का अस्वीकार यानी ईश्वर का अस्वीकार, ये पाप ना करे और ना ही किसी को करने दे। बेटी तो सहारा होती है, वो कोई बोझ नहीं होती। वो माँ बनकर पालन पोषण करती है, बहन बनकर राखी बांधती है, पत्नी बनकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है। बेटी ही वंश की बुनियाद है, बेटी है तो समाज चलता है, बेटी नहीं होती ना तो संसार नहीं होता। बराबर है। देखिए मैं बेटियों की प्रशंसा में तो सब कुछ कह दिया गया है,
अब कुछ भी कहा जाए तो कम, अगर हम नारी जाति की बेटी की प्रशंसा करने लगे तो सारे अलंकार फीके पड़ जाएंगे, विशेषण समाप्त हो जाएंगे, हम लोग शब्दातीत हो जाएंगे। इसलिए उनकी प्रशंसा में तो बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहता, सब कुछ कह दिया गया है, लेकिन कल तक के दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सबकी यही सोच होनी चाहिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नई सोच के पंख लगाओ, नए दौर में कदम बढ़ाओ। और मेरे साथ इस वक्त जो घर पे कल तक देख रहे हैं और हमारे गोकुल निवासी, एक बार बोलिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने कि कितने अच्छे विचार हैं गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों के बेटियों के प्रति। अगर आप लोग भी अपनी विचारधारा को बदल लें और उसे इतना ही अच्छा कर लें तो हमारी बेटियों का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों ने खुशी की जान को बचा के जो महान काम किया है उसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों के लिए। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, मुझे एक और न्यूज कवर करने के लिए जाना है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग जब चाहें खुशी से मिलने आ सकते हैं, खुशी आप ही की बेटी है। कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी थी लेकिन पाला यशोदा ने था, दोनों ही उनकी माँ कहलाती हैं। मेरी खुशी की यशोदा आप हैं, आप इसकी माँ हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज के जमाने में भी आप जैसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग देते हैं। ईश्वर आप सब पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखे। अब हम खुशी को अपने साथ ले जाने की आपसे इजाजत चाहते हैं। बहन इसमें इज्जत कैसी, खुशी आपकी तो बेटी है, पर एक बार मैं खुशी को अपने सीने से लगा सकती हूँ। गोकुलधाम वासियों, हमारी सोच बदलने के लिए, मेरे परिवार को एक करने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं ये वचन देता हूँ कि खुशी, सुहानी और उसकी माँ, इन तीनों का मैं बहुत ख्याल रखूंगा और इन्हें बहुत खुशियां दूंगा। इन्हें आज भी नहीं आने दूंगा और ढेर सारी खुशियां दूंगा। आओ जी, मैं आप सबको घर छोड़ देता हूँ। जगत जननी अम्बे माँ, इस देश में जहाँ नारी को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ संकुचित मानस के लोग बेटी के जन्म के अधिकार तक को भी छीन लेते हैं, उसका जन्म भी रोक लेते हैं, उन्हें प्यार दुलार के बदले धुतकार दिया जाता है, जीवन भर उनके साथ अन्याय होता रहता है। बेटियों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है माँ। माँ आप तो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, आपने जैसे खुशी की रक्षा की वैसे हर बेटियों की रक्षा करना। माँ सुरभि बहन जैसी हर निर्बल स्त्री को आप इतनी शक्ति देना कि उनके साथ अत्याचार करने वाले लोगों के सामने वो लड़ सके और उनके साथ कभी कोई अन्याय ही ना हो। स्त्रियों के लिए यही सच्चा आदर और सम्मान होगा। इस देश की हर बेटी को आपका आशीर्वाद दीजिए माँ। चलो सब अंदर चलो, टप्पू चलो। दादाजी अब खुशी चली गई तो घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे चलो सब लोग अंदर चलो, अंदर चलो, चलो चल चल।
अरे रुको एक मिनट, सब लोग रुक जाओ, रुको, सब लोग इतने उदास क्यों हो? अरे खुशी चली गई है, इस बात की तो हमें खुशी मनानी चाहिए। चाचा जी, खुशी चली गई उस बात की हम खुशी कैसे मना सकते हैं? अरे क्यों नहीं मना सकते, हमने एक बेटी को उसके परिवार से मिलाया है। बेटियों के प्रति भेदभाव रखने वालों की हमने सोच बदली है। कल तक न्यूज के जरिए हमने यह संदेश पूरे देश में पहुंचाया है, और यह संदेश से अगर एक आदमी की भी सोच बदलती है तो हमें अपने आप को बहुत नसीबदार समझना चाहिए। अरे हमने इतना अच्छा काम किया है तो हमें खुशी तो मनानी चाहिए ना। हम पर खुशी के बगैर खुशी मनाने का मन नहीं करता। मुझे तो चारों तरफ खुशी का ही चेहरा नजर आता है। ऐसा लगता है कि खुशी के जाने से गोकुलधाम की सारी खुशियां ही चली गई। सही बात है। अरे बस बस, तुम लोग ऐसा सोचोगे तो कैसे चलेगा? अरे जिन्होंने खुशी को खुशियां दी हो उसकी जिंदगी से खुशी कभी नहीं जा सकती। खरे चाचा जी, खरे। एक बात बताओ, तुम सब लोग मानते हो ना कि खुशी हमारे साथ भावनाओं से जुड़ी हुई है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो फिर बस, खुशी अगर हमारे साथ भावनाओं से जुड़ी हुई है तो हम अगर दुखी होंगे तो खुशी भी दुखी होगी, हम अगर बेचैन रहेंगे तो खुशी भी बेचैन होगी, और हम अगर खुश रहेंगे तो खुशी भी खुश हो जाएगी। सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे बापू जी, बिल्कुल सही कह रहे। कोई उदास नहीं होगा, कोई उदास नहीं होगा। हा? सब लोग चलो जरा खुश हो जाओ। बापू जी की बात सही है। अरे तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस उदासी को चेहरे से उखार कर फेंक दो। हाँ। हंसी को वापस बुला लो और नाचो गाओ और खुशियां मनाओ। सही बात है। हाँ। मम्मी, खुशी को सबसे ज्यादा गरबा पसंद है, तो हम सब गरबा करते हैं। अरे वाह टप्पू, क्या बात याद दिलाई है, है दया, खुशी का सबसे फेवरेट गरबा करते हैं। कलियां बन के आंगन को महकाती है बेटियां, लक्ष्मी बन के परिवार में समृद्धि लाती है बेटियां, एक मकान को सही अर्थों में घर बनाती है बेटियां, माँ बहन पत्नी बन के सही अर्थों में सृष्टि बनाती है बेटियां। मित्रों, बेटियों की महत्ता तो अपरंपार है, अनुपम है, अद्वितीय है। आज खुशी को अपना परिवार मिल गया, लेकिन इस देश में न जाने कितनी बेटियां ऐसी है जो आज भी भेदभाव का शिकार है, जिन्हें अपने परिवार का प्यार नहीं मिलता। आइए आज मेरे साथ हम एक प्रण लें कि आज से हम बेटियों और बेटों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। एक शपथ लें कि हम दोनों को बराबर का प्यार देंगे। एक कसम खाएं कि हमारे लिए बेटियां और बेटे दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, हम दोनों को ही बराबर का दर्जा देंगे। मुझे विश्वास है कि आपने मन ही मन ये सोच लिया है कि खुद भी ऐसा करेंगे और किसी को भी बेटियों से भेदभाव नहीं करने देंगे। और यहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मौज मजाक मस्ती हंसी हंगामा जारी रहेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।